टायर का ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं, ये किसी स्टोर में नहीं है, बल्कि ये चोरी कर इकट्ठा की गई टायर है। जी हाँ, टायर चोरी का मामला चंडीगढ़ से सामने आया है, जहाँ जर्मनी से लौटा ये युवक पंजाब में टायर चोरी की वारदात में ऐसा जुटा कि आज वो सलाखों के पीछे पहुँच गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सेक्टर 39 में गाड़ियों की टायर चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। लोगों के घरों के बाहर खड़ी की गई गाड़ियों के टायर चोरी हो जाया करते थे, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो आरोपित की पहचान हुई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 27 टायर बरामद किए हैं। ये देखिए, पिछले करीब 10 के दिन में हमारे सेक्टर 40 में और पलसौरा एरिया में और सेक्टर 37 में करीब आधा दर्जन गाड़ियों के जो है वो टायर जो है समेत अलॉय व्हील जो है वो चोरी होने की वारदातें हुई थी, जिनमें से 4 FIR जो है हमारे पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुई थी और 2 वारदातें ऐसी हैं जो कंप्लेनेंट ने हमें इंटीमेट जरूर किया था लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं करवाई थी। तो इसमें हमने जो है एरिया के काफ़ी CCTV फुटेज जो है चेक किए, हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सब इंस्पेक्टर कुलदीप ने काफ़ी मेहनत करी और हमें एक लीड मिल गई थी एक गाड़ी की, ब्रेजा गाड़ी की, उसके नंबर को हमने फर्दर डेवलप किया अपने शहर में लगे हुए CCTV कैमराज की मदद से और उसमें हमने जो है वो इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति है उसको हमने जो अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी है थाना उमताली की पुलिस ने। बताया जा रहा है कि आरोपी हरसिमरन सिंह अपनी बहन के साथ जर्मनी में रहता था, लेकिन वो जर्मनी से वापस अपने घर पटियाला लौट आया, बाद में वो नशे की लत में पड़ गया और चोरियां करने लगा और अब वो पुलिस के गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।